सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं नाविद खान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेल, आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे होंगे। आज मैं जाने वाला हूँ कोटा, राजस्थान। सो आज का मेरा ब्लॉग बहुत जबरदस्त होने वाला है। सुबह मैं 4 बजे उठ गया था, 7 बजे की हम लोगों की ट्रेन है और ये नई ट्रेन कोई चली है, सोगड़िया एक्सप्रेस। आई थिंक मैं नाम शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ट्रेन के अंदर कभी दिखाने वाला हूँ, बिकॉज इस ट्रेन से मैं कोटा कभी नहीं गया था। सो मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस ट्रेन के साथ कोटा जाने का। और सुबह आपको बताऊँ क्या हुआ था कि मेरे बाहर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर है, बिल्कुल भी बाल नहीं सेट कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। हमने सुबह जो ओला बुक करी थी, ओला वालों के इतने नखरे हो रहे हैं। इतने हमने सुबह ओला बुक करी थी, हुआ ये कि हमने मिनी बुक करी थी और उसका फेयर थोड़ा कम था, तो वो ओला वाला बोलता है कि आप 500 रुपये दो तो मैं आऊँगा, वरना आपको जो करना है वो कर लो। उसके बाद फिर लास्ट मिनट पर हमें दूसरी ओला मिली और दूसरी ओला हमने बुक करी और फिर हम अब यहाँ पर स्टेशन पर आए हैं। अभी मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, बाकी मैं जैसी ट्रेन में बैठूंगा तब मैं आपसे बात करता हूँ। हम ट्रेन में बैठ गए हैं और इस ट्रेन में पैंट्री सर्विसेज नहीं है, तो मुगल लेकर आया था ऑमलेट और ब्रेड, जो कि मैंने थोड़ा सा खाया है। और जब मैं लंच करूँगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं इस तरफ देखो और ट्रेन का, तो ये ट्रेन भी बाकी ट्रेन की तरह ही है, बट मुझे लगा था कि कुछ अलग इसमें एक्सपीरियंस करने को मुझे मिलेगा, बट ऐसा कुछ अलग नहीं है। पर हाँ ये है कि ये हमें टाइम से पहुँचाएगी और इसका एसी बहुत अच्छा है। फाइनली मैं अपने स्टेशन पर आ गया हूँ। ये है वो ट्रेन जिससे मैंने ट्रैवल किया है और ये नया स्टेशन बना है यहाँ पर, सोगड़िया, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, पर हाँ ये इस पर लिखा है, हाँ सोगड़िया। हाँ, और मैं ये कहूँगा इस ट्रेन के बारे में, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़बरदस्त है और जो एसी की जो सर्विसेज अंदर मुझे लगी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बट मुझे जो प्रॉब्लम है वो है जो टॉयलेट की क्लीनिंग है, मुझे उससे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आई है। बाकी टाइम के मामले में और ट्रेन की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ट्रेन का स्पेस है, ट्रेन की क्लीनिंग है, वो सब बहुत ज़बरदस्त है। स्पेस वगैरह सब कुछ पसंद है, बस मुझे टॉयलेट से प्रॉब्लम है। थोड़ी देर में मेरा कज़न वहाँ से आने वाला है और फिर हम थोड़ा कोटा घूमेंगे और फिर मैं बताऊँगा ये मेरे कज़न कैसे बने। तो मैं बाकी की बातें आपसे पूरा भी बहुत लंबा ब्लॉग पड़ा है आराम से करूँगा, तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। ये हैं आशु भाई जिनके घर में आज आया हूँ, ये है मेरे कजिन के बारे में आपको बताया था, और ये है अभी थोड़ा शर्मा रहा है, हम इसी के घर जा रहे हैं तो वो घबरा रहा है। ये है कृष्णा नमकीन स्टोर और अगर आप जब भी कोटा आओ तो यहाँ की कड़ी कचौड़ी ज़रूर ट्राई करना, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी है? कोटा की मशहूर है। बोलो आपके बारे में, कितने साल से ये शॉप चला रहे हो आप? 10 साल से। तो ये आपका फेमस है? फेमस है अपनी कड़ी कचौड़ी। क्या क्या है होता है इसमें, क्या है ये? कड़ी कचौड़ी है पकौड़ी के साथ है। ओके, पकौड़ी वाली 20 रुपये प्लेट है, ठीक है, बिना पकौड़ी के 15 रुपये प्लेट है, चटनी वाली अपनी 10 रुपये की। शॉप का एड्रेस CID चौराहा कृष्णा नगर कोटा। और भैया आप कब से काम कर रहे हो भैया के साथ? 7 years। वो बजरी बनाओ।